हाय गाइस, सो आज हम बनाने वाले हैं लहसुनी पालक खिचड़ी, जो कि है बहुत ही इंस्टेंट डिलिशियस एज वेल एज हेल्दी रेसिपी। सो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सो ये मैंने कुकर में हाफ एन आवर सोक की हुई हाफ कप मूंग की दाल और 1 कप राइस डाल दिए हैं, और आप सफिशिएंट पानी डाल दीजिए। और उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करके आप उसे 2 से 3 विसल्स तक पकने दीजिए। अब ये मैंने पालक के जो लीव्स है उनको ब्लांच करने के लिए रख दिया है फॉर 20 to 25 seconds, और उसके बाद आइस कोल्ड वाटर में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आए। और इस तरीके से सारी जो पालक है उसे हम अच्छे से ब्लांच कर देंगे। और उसे फिर से कोल्ड वाटर में निकाल देंगे और फिर उसे हम ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। अब ये एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाले हैं क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, और इसे थोड़ा सा कुक होने दीजिए। इसके बाद ये हमने डाली है 2 हरी मिर्च और काफ़ी सारा लहसुन डाला है हमने, बिकॉज़ दिस इज़ लहसुनी पालक खिचड़ी, सो लहसुन तो पड़ेगा ही। उसे थोड़ा सा ब्राउनिश होने दीजिए। उसके बाद ये मैंने 1 अनियन डाला है, और इसके बाद ही उसमें सॉल्ट डाल दीजिए ताकि अनियन थोड़ा जल्दी से कुक हो जाए, और अनियन को ट्रांसल्यूसेंट होने तक आप पकने दीजिए। इसके बाद मैंने ये जो मसाले हैं हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो डाल दिए हैं, और जैसे ही हमारे मसाले थोड़े से कुक हो, वो ऊपर से मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाला था, और ये थोड़ा कुक हो उसके बाद ये मैंने टमाटोज़ डाल दिए हैं। और टमाटोज़ के कुक होते ही हमने जो ब्लांच की हुई पेस्ट थी पालक की वो प्योरी डाल दी है, और इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। और जो हमारे राइस और दाल जो कुक हो चुके हैं वो हम डाल देंगे एंड में। और आप इसमें अच्छे से घी का तड़का भी डाल सकते हैं, उससे काफ़ी यमी टेस्ट करती है ये खिचड़ी, काफ़ी जल्दी बन जाती है और रेगुलर खिचड़ी से काफ़ी डिफरेंट टेस्ट करती है। सो अगर आप नॉर्मली खिचड़ी खाकर बोर हो गए हैं, कुछ इंस्टेंट फटाफट बनाना है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड वेरी हेल्दी। सो अगर आप ज़्यादा लहसुन इनिशियली नहीं डाल रहे हैं तो एंड में आप घी और लहसुन का तड़का इस तरीके से डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी मिर्ची भी डालिए एंड इट लुक्स ग्रेट।